वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हैं मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज जो है हम लोग आए हैं आप लोगों को मैनुअल गाड़ी के बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें सिखाने के लिए। एंड इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बनाई है जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत दिया था। इससे पहले मैंने i20 में और आकृति की ऑटोमेटिक गाड़ी की भी वीडियो आप लोगों को दिखाई थी, लेकिन अगर आप लोगों को आकृति के स्टाइल में वो वीडियो देखनी है, क्योंकि एक लड़की जो है वो दूसरी लड़की की गाड़ी की पूरी वीडियो जो है देखती है और वो कहती है हाँ भाई अगर ये अच्छे से चला रही है तो मैं भी चला सकती हूँ। तो अगर आपने देखना है तो आकृति व्लॉग चैनल में चले जाना और हमारे साथ यहाँ पर हमारे स्ट्रेट ठीक है भाई, तो भाई आ चुके हैं यहाँ पर। और विशाल भाई एक बार बता दो जरा, जैसे हम लोग ऑटोमेटिक गाड़ी या मैनुअल गाड़ी कौन सी आपकी फेवरेट है? मेरी तो मैनुअल है भाई। मैनुअल बोलो, जोर से बोलो। दिल्ली में भाई ऑटोमेटिक चलती है यार, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है वैसे, लेकिन मैनुअल अच्छी लगती है। तो भाई मैनुअल का जो मतलब रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आप में से कोई भी चाहे तो मैनुअल गाड़ी या ऑटोमेटिक गाड़ी में से कोई सी भी गाड़ी आप लोग प्रेफर कर सकते हो। सबसे पहली बात, हमारे पास चॉइस बहुत सारी है आज के टाइम पे, इवन इलेक्ट्रिक कार्स भी आ चुके हैं जिनमें से आप लोग चूज़ कर सकते हो कि कौन सी गाड़ी आप लोगों के लिए फेवरेबल है। लेकिन मेरी चॉइस जो है मैनुअल है, तो थोड़ी सी चीज़ें समझाता हूँ और उसके बाद फिर बात करें। बहुत ईजी है, अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है या डीजल गाड़ी है और स्पेशली वो मैनुअल गाड़ी है, तो अगर अक्कू इधर दिखाएगी तो आपके पास तीन तरीके के पैडल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं ABC थ्योरी। तो अगर आकृति मेरी तरफ कैमरा लेके आएगी तो बेसिकली ABC थ्योरी क्या होती है, एक्सेलरेशन ब्रेक और क्लच वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन एक होता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को अगर आप समझ गए तो गाड़ी जो है वो आप अच्छी तरीके से चला पाओगे। अच्छी चलाने के साथ साथ में आपकी गाड़ी जो है वो बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस भी आप लोगों को देगी। और आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ बेसिक सिखा रहा हूँ। अगेन मैं कोई गाड़ी सिखाने वाला नहीं हूँ विशाल, है ना, मैं केवल एक नॉर्मल चीज़ है आप लोगों को बता सकता हूँ कैसे आप गाड़ी चला सकते हो। सबसे पहली चीज़, अगर आकृति यहीं से शूट कर रही है ठीक है, तो इस तरह थोड़ा सा ऑडियंस को जरूर चेकआउट कराइए। तो जो आप लोग अभी देख रहे हो मैं दबा रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग क्लच, ठीक है गाइस। इसी के साथ में जो दूसरी चीज हम लोग होती है, इसको कहते हैं ब्रेक और इसको कहते हैं एक्सेलेटर। सो क्लच और ब्रेक और क्लच और एक्सेलेटर, इनका जो मिक्सचर है वो एक बहुत परफेक्ट चीज है। आप लोगों ने एक्सरसाइज भी देखी होगी, जैसे एक्सरसाइज में करता हुआ आप लोगों को दिख रहा हूँ, ठीक है, ये बड़ी परफेक्ट एक्सरसाइज होती है। सो नॉर्मली जब भी आप अपनी गाड़ी ऑन करते हो, तो अभी मेरे पास है मारुति स्विफ्ट, आपके पास कोई भी गाड़ी होगी, अगर आकृति थोड़ा और पास लाके दिखाएगी, तो ये है हमारा गियर बॉक्स जिसमें आप लोगों को गियर डालने के लिए फर्स्ट सेकंड, ये आप लोगों का न्यूट्रल है, अगर ऐसे हिला के आप देखोगे ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ है, और अगर आपके पास थोड़ी से बड़े इंजन वाली गाड़ी है तो सिक्स्थ गियर आपका ऐसे ही लगेगा, ये हमारा रिवर्स लग जाता है, ठीक है। तो मैं वीडियो में आप लोगों को रिवर्स करना भी सिखा दूंगा, गाड़ी चलाना भी सिखा दूंगा, लेकिन वो केवल बेसिक होगा। मैं पूरा ऐसे नहीं कह रहा कि बिल्कुल थोरली समझा दूंगा, लेकिन जब गाड़ी चला रहा हूँ कुछ टॉपिक कुछ पॉइंट बताऊंगा जो कि जरूर ध्यान में रखना। सबसे जरूरी चीज, आप लोग सीट बेल्ट जरूर पहनो जब भी आप अपनी गाड़ी चला रहे हो। तो सबसे पहली चीज ये है आपका क्लच, जैसा मैंने आपको बताया, क्लच दबाने के बाद आप लोगों ने गाड़ी में फर्स्ट गियर डालना है। ये बिल्कुल बेसिक चीज है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये फर्स्ट गियर डालने के बाद, अगर आप लोग बिगिनर हो, आपको गाड़ी सीखनी है, तो विशाल अगर उस तरफ दिखाएगा, तो नॉर्मली जितनी भी नई गाड़ियां होती है उनमें जब आप क्लच छोड़ोगे, ठीक है, मैं केवल क्लच छोड़ रहा हूँ, हैंड ब्रेक नीचे कर दिया है, और अगर आप हल्का हल्का देखोगे आगे की तरफ में, तो विशाल एक बार दिखा गाड़ी आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तो आप लोग देखो और आपकी गाड़ी जो है वो हल्की हल्की करके आगे चलनी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग देख रहे होंगे। मैंने केवल अभी क्लच को आधा दबाया, लेकिन ये चीज मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप कंटिन्यूसली क्लच दबा के रखोगे तो क्लच ज्यादा जल्दी खत्म होता है। अब एकदम से देखो, इधर जरा नीचे दिखाओ विशाल, अब ये मैंने क्लच छोड़ा एकदम से, मेरी गाड़ी पुरानी है तो क्लच ने झटका नहीं मारा, मैनुअल गाड़ी में झटका मारेगा। इसके साथ में आपने क्या करना है, जो आपका एक्सेलेरेशन, अगर विशाल नीचे दिखा पाएगा तो आप लोग यहाँ पर मिक्सर देख लो भाई, ठीक है, पूरे परफेक्ट तरीके से मेरा मिक्सर जो एक्सेलेटर वाला है, सो आपके दोनों के दोनों पैर जो है इसमें परफेक्ट तरीके से चलने चाहिए, जैसा आप लोग देख रहे होंगे चलते हुए, ठीक है। और इसके साथ में ये RPM के ऊपर जरूर नजर रखो, ठीक है, ये RPM जैसे ही आपको लगता है कि यार गाड़ी जो है वो ड्रैग हो रही है, आपने अपना गियर शिफ्ट करना है। देखो कैसे, ये आपने क्लच दबाया और ये आपका शिफ्ट हो गया सेकंड गियर की तरफ। तो सेम ऐसे ही आप लोग जो है गियर शिफ्टिंग कर करके ये चीजें सीख जाओगे। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी पॉइंट जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे हो ज्यादा क्लच को दबा के मत रखना, क्लच प्लेट फूक जाएगी। अगर आप लोगों को इजी तरीके से सीखना है गाड़ी चलाना, तो भाई यही चीज है, कायदा यही है कि जो आपका स्टेयरिंग है, सबसे पहले स्टेयरिंग अपना जितना हो सके उतना स्ट्रेट रखो। अभी देखो यहाँ पर टर्न आ रहा है, मैंने राइट इंडिकेटर दिया और यहाँ पर मैं एक्सेलेटर के साथ में क्लच को भी दबा रहा हूँ,
जिससे थोड़ी अगर मेरे को गियर शिफ्ट नीचे करना पड़े या पावर बढ़ानी पड़े तो उसमें मेरे को दिक्कत ना मिले। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो, सेकंड गियर में मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि गाड़ी की पावर जो है वो ठीक बन गई है, एक्सेलेरेशन अच्छा हो रहा है। मैंने थर्ड गियर में गाड़ी को शिफ्ट किया एंड इट्स वेरी स्मूथ, जो कि बिल्कुल स्मूथली चलेगा। लोग क्या करते हैं, ऐसे ही चलते चलते गाड़ी में ऐसे करके गियर डाल देंगे, झटका मारती है गाड़ी। तो भाई इसीलिए छोटे गियर में अगर गाड़ी चला रहे हो तो बड़े गियर में अगर एकदम से डालोगे तो थोड़ा सा एक्सेलेरेशन हल्का हल्का दो, लेकिन अगर एकदम से झटका मार के गाड़ी को आगे करोगे तो भाई गाड़ी जर्क खाती है, जो कि एक अच्छे चलाने वाले की बिल्कुल निशानी नहीं होती है। तो एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पर चेकआउट कराना चाहूंगा, अभी हम लोग यू टर्न लेने वाले हैं, ठीक है? तो यू टर्न लेते वक्त आप लोगों ने क्या चीजों का ध्यान रखना है, देखो अगर विशाल आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं तो यहाँ से मेरे को एक पॉइंट दिख रहा है, अगर इधर से विशाल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा पाएगा, यहां पर मेरे को ये कट लेने का इधर से एक ओवरव्यू मिल रहा है। तो अगर आप लोग अच्छी तरीके से गाड़ी चलाते हो तो यूजुअली आप लोग क्या करोगे, जितना आपका कट है आप लोग छोटे कट से गाड़ी मोड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है? अगर आप देख रहे हो, पहली बात तो अगर पूरा यू टर्न आपने लेना है तो आप लोगों का जो पूरा स्टेयरिंग है वो पूरा का पूरा मुड़ना चाहिए, ठीक है? ये आपका मुड़ा और छोटे गियर में कोई टेंशन नहीं है, वापसी आने के बाद खुद स्टेयरिंग के आने का मौका मत दो, अपने आप लेके आओ और देयर यू गो। आकृति को पीछे दिखाओ, आकृति क्या कहती है इसके बारे में, थोड़ा सा आकृति से भी जरा ओवरव्यू लो। यार इसमें ना क्लच और उसका बड़ा झंझट रहता है, अपने को तो ऑटोमेटिक सही लगती है, ब्रेक पे पैर लगाओ और अपना गाड़ी घुमाओ, मचानी लाइफ। अच्छा चलो भाई, ये तो बात हो गई इसके बारे में, ठीक है? अब इसके बाद बात होती है एक बहुत जरूरी चीज के बारे में कि भाई हम लोग जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो मैं ब्रेकिंग किस तरीके से करूं। तो विशाल भी पीछे है, विशाल थोड़ा बता लोगों को कि जब तू अपनी गाड़ी में ब्रेकिंग लेता है, ऑल्दो तेरे को बहुत साल हो गए लेकिन इनिशियल स्टेज में जब तूने स्टार्ट किया था तो क्या ब्रेकिंग लेने में कभी ऐसा लगता था तू ज्यादा जोर से दबा रहा है, ज्यादा कम से दबा रहा है? हाँ, तो क्या होता था वो थोड़ा अंदाजे से ही होती है ब्रेकिंग, हमेशा अंदाजे से स्टार्टिंग में हमेशा ज्यादा ही लगती है, ज्यादा ही लगती है। तो इसका भी मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा टोटका बताता हूं। देखो अगर आप नीचे की तरफ में देख रहे हो, आपकी गाड़ी बाय चांस आप लोगों ने ये चलानी स्टार्ट करी 20-30 की स्पीड में आप लोग पहुंच गए हो, और अगर आप लोग आगे की साइड में देखोगे बाय चांस आपकी गाड़ी के आगे कोई आ रहा है तो आपने देखो गाइस, अगर सेफर साइड में रहना है अपना क्लच जो है उस क्लच को दबा के रखो और इसके ऊपर जितना कम प्रेशर आप लोग लगाओगे, अगर आप इसके ऊपर फुल प्रेशर लगा के गाड़ी को रोकते हो तो होगा क्या, गाड़ी स्किड करेगी और अगर आपने गियर नीचे डाउन नहीं किया तो वो दिक्कत फिर से आएगी। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, अपने ब्रेक के ऊपर हल्का सा पैर रखो। मैं तो अभी भी कहता हूँ बहुत सारे ऐसे प्रो बंदे हैं जो कि बड़े गंदे तरीके से ब्रेकिंग करते हैं, मानता है विशाल? बिल्कुल भाई, जो मतलब आपने अगर कभी रेसर्स देखे होंगे ना तो उनका काम क्या होता है पता है, वो अपनी गाड़ी में क्लच और ब्रेक ही बचाते हैं, है ना? क्योंकि उनको लॉन्ग ट्रिप में पूरी गाड़ी को लेके जाना है तो उनको इन पॉइंट्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई इन पॉइंट्स को अगर अपने दिमाग में रखोगे तभी जो आपकी गाड़ी है वो बच पाएगी। बाकी अगेन हम लोग एक बार ट्रैक में फिर से मतलब आप लोगों को लेके जा रहा हूं मैं, अगर आप देखोगे अभी, ठीक है? अब ये सेकंड गियर में आ गया, यहाँ पर आ रहा है टर्न, कैसे मैं अपना मन बनाऊं कि भाई कैसे टर्न लेना है, और इवन ये रोड खाली है आप लोगों ने इसमें कोशिश करनी है, इससे ज्यादा क्लोज ना हो आप लोग, इससे आप लोग डिस्टेंस भी बना के रखो। और उसी के साथ में अगर आप हायर गियर में हो, देख लो भी जैसे मैं हायर गियर में हूं और आपको लगता है आगे कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है तो भाई कोशिश करो एक्सेलेरेशन ज्यादा कर सको, साथ में ब्रेकिंग का भी एक वो जो पार्ट है उसको आप लोग जरूर रखना। और भाई देखो ये एक बहुत बेसिक सी चीज है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आकृति को सीख मिली कि नहीं मिली? अपने ने ऑलरेडी सीखा हुआ, अपने को सीख की कोई जरूरत नहीं, अपने को कोई सीख की जरूरत नहीं, अपने को जरूरत ही नहीं है। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। और जितने भी भाई न्यू कमर्स है, होता क्या है गाड़ियां उनसे बंद होती है बार बार चलाते वक्त, तो इट्स प्रीटी नॉर्मल, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कोई गलती कर रहे हो या आप गाड़ी नहीं सीख पाओगे, तो भाई प्लीज इसके बारे में जरूर सोचना। बस यही है, जैसे मेन बड़े टर्न्स आते हैं या फिर आप चौक से अपनी गाड़ियां गुजार रहे हो वहां पर हॉर्न जरूर बजाओ, अपनी स्पीड हमेशा कम करो। और भाई एक चीज है स्पीड के बारे में, स्पीड जो है वो आपको थ्रिल जरूर करती है लेकिन उससे सबसे ज्यादा मौतें होती है। एंड इंडिया का अगर आप लोग ग्राफ देखोगे, अभी COVID-19 चल रहा है लेकिन अगर उसके हटके आप लोग ग्राफ देखते हो तो जो रोड रेंज साथ ही में एक्सीडेंट्स, इनका भी बहुत बड़ा एक रोल रहता है। तो प्लीज गाइस इसके बारे में सोचना। और बाकी आई गेस मैंने आप लोगों को एक अच्छा वाला ओवरव्यू दे दिया।